Subscribe, like and share. Hello kids, today we will learn synonyms with meanings. Synonym hota kya hai? A word having the same or almost the same meaning as another word in the same language. Synonym ka hindi mein matlab hota hai ek shabd जिसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. चलिए शुरू करते हैं. अबंडन. अबंडन का हिंदी में मीनिंग होता है त्याग देना या छोड़ देना. अबंडन का सिनोनियम होता है रिनाउंस, गिव अप या एडिकेट. अबेट. अबेट का हिंदी में मीनिंग होता है कम करना. अबेट का सिनोनियम होता है लेसन या अपीज या मिटिगेट. अबैश. अबैश का हिंदी में मीनिंग होता है शर्मिंदा करना. अबैश का सिनोनियम होता है discourage या confound या embarrass. abettor. abettor का हिंदी में मीनिंग होता है उकसाने वाला या अवप्रेरक. abettor का सिनोनियम होता है assistant, accomplice या colleague. abhor. अभोर का हिंदी में मीनिंग होता है घृणा करना. अभोर का सिनोनियम होता है डिटेस्ट या हेट या लोथ. एब्जेक्ट. एब्जेक्ट का हिंदी में मीनिंग होता है अधम. एब्जेक्ट का सिनोनियम होता है शेमफुल या miserable या degraded. absolve. absolve का हिंदी में मीनिंग होता है पाप, दोष या मुक्त. absolve का सिनोनियम होता है excuse, pardon, exonerate. absurd. एब्जर्ड का हिंदी में मीनिंग होता है विवेकहीन और एब्जर्ड का सिनोनियम होता है इरेशनल या फुलिश या नॉनसेंशियल. अबंडेंस. अबंडेंस का हिंदी में मीनिंग होता है अधिकता. अबंडेंस का सिनोनियम होता है रिचेस या वेल्थ या अफ्लुएंस. असीड. असीड का हिंदी में मीनिंग होता है स्वीकार करना. असीड का सिनोनियम होता है असेंट या कंसीड या एक्सेप्ट. एंगर. एंगर का हिंदी में मीनिंग होता है गुस्सा या क्रोध. एंगर का सिनोनियम होता है एनरेज या इन्फ्यूरेट या अराउज. एंग्री. एंग्री का हिंदी में मीनिंग होता है क्रोधित या नाराज. एंग्री का सिनोनियम होता है रेथफुल या फ्यूरियस या एनरेज्ड. आंसर. आंसर का हिंदी में मीनिंग होता है उत्तर. आंसर का सिनोनियम होता है रिप्लाई या रिस्पॉन्ड या रिटॉर्ट.
ask. Ask का हिंदी में मीनिंग होता है पूछना, और ask का synonym होता है question या inquire या query. awful. awful का हिंदी में मीनिंग होता है भयंकर, और awful का synonym होता है dreadful या terrible या abominable. baffle. baffle का हिंदी में मीनिंग होता है चकरा देना, और baffle का synonym होता है frustrate या perplex या dazzle. barbarous. barbarous का हिंदी में मीनिंग होता है बर्बर, और इसका synonym होता है uncivilized या savage या intractable. benevolence. benevolence का हिंदी में मीनिंग होता है कृपा, और इसका synonym होता है humanity या generosity या charitableness. bewitching. bewitching का हिंदी में मीनिंग होता है मोहित करने वाला, और इसका synonym होता है magical या fascinating या charming. blake. blake का हिंदी में मीनिंग होता है बेरंग, और इसका synonym होता है dismal या gloomy या colorless. brittle. brittle का हिंदी में मीनिंग होता है नाजुक, और इसका synonym होता है delicate या fragile या critical. bustle. bustle का हिंदी में मीनिंग होता है हलचल. bustle का synonym होता है hasty या flurry या stir. bad. bad का हिंदी में मीनिंग होता है खराब या बुरा, और इसका synonym होता है depraved. rotten या contaminated. begin. begin का हिंदी में मीनिंग होता है शुरू. begin का synonym होता है start या open या launch. big. big का हिंदी में मीनिंग होता है बड़ा, और big का synonym होता है enormous या huge या immense. brave. brave का हिंदी में मीनिंग होता है बहादुर या साहसी. brave का synonym होता है courageous या fearless या dauntless. bright. bright का हिंदी में मीनिंग होता है उज्जवल. bright का synonym होता है sparkling या shimmering या radiant. calm. calm का हिंदी में मीनिंग होता है शांत, और इसका synonym होता है quiet या peaceful या unruffled.
क्लैमिटी। क्लैमिटी का हिंदी में मीनिंग होता है आपदा, और इसका सिनोनियम होता है डाइवर्सिटी या मिसफॉर्च्यून या डिजास्टर। कम, कम का हिंदी में मीनिंग होता है आइए या आना, और इसका सिनोनियम होता है अप्रोच, एडवांस या नियर। कूल, कूल का हिंदी में मीनिंग होता है ठंडा, और इसका सिनोनियम होता है चिली या कोल्ड। और कूल का सिनोनियम और भी होता है, वो है फ्रॉस्टी। क्रुक्ट, क्रुक्ट का हिंदी में मीनिंग होता है कुटिल, और क्रुक्ट का सिनोनियम होता है बेंट या ट्विस्टेड या ज़िगज़ैग। क्राई, क्राई का हिंदी में मीनिंग होता है रोना, क्राई का सिनोनियम होता है वी या वेल या सॉब। कट, कट का हिंदी में मीनिंग होता है काटना, और कट का सिनोनियम होता है स्लाइस या कार्व। एक और सिनोनियम भी होता है, वो है क्लीव। कैलेस, कैलेस का हिंदी में मीनिंग होता है कठोर, और इसका सिनोनियम होता है ऑब्टुरेट या अनफीलिंग या हार्श। कलमनी, कलमनी का हिंदी में मीनिंग होता है चुगली, और इसका सिनोनियम होता है डिफेमेशन या एस्पर्शन या बैकबाइट। कैपेबल, कैपेबल का हिंदी में मीनिंग होता है सक्षम, और इसका सिनोनियम होता है कॉम्पिटेंट या एबल या एडिक्वेट। कैप्टिवेट, कैप्टिवेट का हिंदी में मीनिंग होता है बंदी बनाना, और इसका सिनोनियम होता है चार्म या फैसिनेट या कैप्चर। कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का हिंदी में मीनिंग होता है कैद, और इसका सिनोनियम होता है इंप्रिजमेंट या कन्फाइनमेंट या एम्योरमेंट। केविटी, केविटी का हिंदी में मीनिंग होता है गुहा, और इसका सिनोनियम होता है डेप्थ या डिप्रेशन या केव। सीज, सीज का हिंदी में मीनिंग होता है संघर्ष, सीज का सिनोनियम होता है टर्मिनेट या डिजिस्ट या इंटरमिट। चेस्ट, चेस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है पवित्र, और इसका सिनोनियम होता है वर्चुअस या प्योर या होली। चेस्टाइज, चेस्टाइज का हिंदी में मीनिंग होता है दंड देना, और इसका सिनोनियम होता है पनिश या एडमोनिश या पेनलाइज।
कंपैशन। कंपैशन का हिंदी में मीनिंग होता है दया और इसका सिनोनियम होता है काइंडनेस या सिंपथी या पिटी। कॉम्प्राइज। कॉम्प्राइज का हिंदी में मीनिंग होता है समावेश करना और इसका सिनोनियम होता है इंक्लूड या कंटेन या एंटर। डेंजरस। डेंजरस का हिंदी में मीनिंग होता है खतरनाक या भयंकर और इसका सिनोनियम होता है पेरिलस या हैजर्डस या रिस्की। डार्क। डार्क का हिंदी में मीनिंग होता है अंधेरा। डार्क का सिनोनियम होता है शेडोए या अनलिट या मर्की। डिसाइड। डिसाइड का हिंदी में मीनिंग होता है तय या फैसला करना और इसका सिनोनियम होता है डिटरमिन या सेटल या चूज। डेफिनेट। डेफिनेट का हिंदी में मीनिंग होता है निश्चित और डेफिनेट का सिनोनियम होता है सर्टेन श्योर या पॉजिटिव। डू। डू का हिंदी में मीनिंग होता है करना या कार्य करना और इसका सिनोनियम होता है एग्जीक्यूट या इनैक्ट या कैरी आउट। डल। डल का हिंदी में मीनिंग होता है सुस्त या ढीला और इसका सिनोनियम होता है अनइमेजिनेटिव या लाइफलेस या टीडियस। डेनिटी। डेनिटी का हिंदी में मीनिंग होता है शिष्ट और इसका सिनोनियम होता है एलिगेंट या डेलिकेट और इसका एक और सिनोनियम हो सकता है वो है रिफाइंड। डिके। डिके का हिंदी में मीनिंग होता है क्षय और इसका सिनोनियम होता है कोलैप्स या डिकम्पोज या स्पॉइल। डिसीट। डिसीट का हिंदी में मीनिंग होता है छल और इसका सिनोनियम होता है डिसेप्शन या आर्टिफाइस या फिल्ट्रेट। डिसिफर। डिसिफर का हिंदी में मीनिंग होता है गूढ़ लिपि पढ़ना और इसका सिनोनियम होता है इंटरप्रेट या रिवील या रीड। डेडिकेट। डेडिकेट का हिंदी में मीनिंग होता है समर्पित और इसका सिनोनियम होता है डिवोट या कंसीक्रेट या रेंडर। डिफर। डिफर का हिंदी में मीनिंग होता है विलंब करना और इसका सिनोनियम होता है प्रोलोंग या सस्पेंड या अवॉइड। डिफाइल। डिफाइल का हिंदी में मीनिंग होता है अशुद्ध और इसका सिनोनियम होता है कॉन्टामिनेट या पोल्यूट या प्रोफेन।
डिफ्रे, डिफ्रे का हिंदी में मीनिंग होता है चुकाना और इसका सिनोनियम होता है स्पेंड या पे या लिक्विडेट। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का हिंदी में मीनिंग होता है जानबूझकर और इसका सिनोनियम होता है कॉशियस या इंटेंशनल या नोइंगली। डिलीशियस, डिलीशियस का हिंदी में मीनिंग होता है स्वादिष्ट और इसका सिनोनियम होता है पैलेटेबल या टेस्टफुल या माउथ वाटरिंग। डिमोलिश, डिमोलिश का हिंदी में मीनिंग होता है ध्वस्त और इसका सिनोनियम होता है रुइन या डिवास्टेट या ब्रिंग डाउन। ईगर, ईगर का हिंदी में मीनिंग होता है उत्सुक और इसका सिनोनियम होता है कीन या फर्वेंट या एंथुसियास्टिक। एंड, एंड का हिंदी में मीनिंग होता है समाप्त और इसका सिनोनियम होता है स्टॉप या फिनिश या टर्मिनेट। एंजॉय, एंजॉय का हिंदी में मीनिंग होता है आनंद लेना और इसका सिनोनियम होता है एप्रिशिएट या डिलाइट इन या बी प्लीज्ड। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का हिंदी में मीनिंग होता है समझाना और इसका सिनोनियम होता है एलैबोरेट या क्लैरिफाई या डिफाइन। एसेंट्रिक, एसेंट्रिक का हिंदी में मीनिंग होता है विलक्षण और इसका सिनोनियम होता है स्ट्रेंज या एबनॉर्मा या सिंगुलर। एफेस, एफेस का हिंदी में मीनिंग होता है मिटाना और इसका सिनोनियम होता है डिस्ट्रॉय या ऑब्लिट्रेट या इरेज। एलिवेट, एलिवेट का हिंदी में मीनिंग होता है ऊपर उठाना और इसका सिनोनियम होता है डिग्निफाई या हाइटन या रेजिंग। एलिमिनेट, एलिमिनेट का हिंदी में मीनिंग होता है हटाना और इसका सिनोनियम होता है एक्सपेल या ऑस्ट या रिमूव। एलोक्वेंस, एलोक्वेंस का हिंदी में मीनिंग होता है वाग्मिता और इसका सिनोनियम होता है एक्सप्रेशन या फ्लुएंसी या एलोक्यूशन। एनकम्ब्रेंस, एनकम्ब्रेंस का हिंदी में मीनिंग होता है भार और इसका सिनोनियम होता है एम्पेडिमेंट या बर्डन या लोड। एंडीवर, एंडीवर का हिंदी में मीनिंग होता है प्रयास और इसका सिनोनियम होता है अंडरटेक या एस्पायर या एफर्ट।
enormous. Enormous का हिंदी में मीनिंग होता है विशाल, और इसका सिनोनियम होता है क्लोजर या मैमोथ या ह्यूज. इक्विवोकल. इक्विवोकल का हिंदी में मीनिंग होता है गोलमोल, और इसका सिनोनियम होता है अनसर्टेन या हेजी या ड्यूबियस. फेयर. फेयर का हिंदी में मीनिंग होता है निष्पक्ष, और इसका सिनोनियम होता है जस्ट या इम्पार्शियल या अनबायस्ड. फॉल. फॉल का हिंदी में मीनिंग होता है गिरना, और इसका सिनोनियम होता है ड्रॉप या डिसेंड या प्लंज. फॉल्स. फॉल्स का हिंदी में मीनिंग होता है असत्य, और इसका सिनोनियम होता है फेक या फ्रॉडुलेंट या काउंटरफीट. फास्ट. फास्ट का हिंदी में मीनिंग होता है तेज. फास्ट का सिनोनियम होता है क्विक या रैपिड या हेस्टी. फैट. फैट का हिंदी में मीनिंग होता है मोटापा. फैट का सिनोनियम होता है स्टाउट या कॉर्पुलेंट या पॉन्ची. फ्लाई. फ्लाई का हिंदी में मीनिंग होता है उड़ान. फ्लाई का सिनोनियम होता है सोर या हॉवर या फ्लिट. फनी. फनी का हिंदी में मीनिंग होता है मज़ेदार, और इसका सिनोनियम होता है ह्यूमरस या अम्यूजिंग या ड्रॉल. फॉल्टर. फॉल्टर का हिंदी में मीनिंग होता है लड़खड़ाना, और इसका सिनोनियम होता है स्टंबल या डिमर या वैम्बल. फनेटिकल. फनेटिकल का हिंदी में मीनिंग होता है कट्टर, और फनेटिकल का सिनोनियम होता है नैरो माइंडेड या बायस्ड या फैनेटिक. फैंटास्टिक. फैंटास्टिक का हिंदी में मीनिंग होता है बढ़िया, और इसका सिनोनियम होता है फैंसीफुल या अनकॉमन या डेफी. फीबल. फीबल का हिंदी में मीनिंग होता है निर्बल. फीबल का सिनोनियम होता है वीक या फ्रेल या लीन. फेरोसियस. फेरोसियस का हिंदी में मीनिंग होता है क्रूर, और इसका सिनोनियम होता है क्रूअल या फायर्स या वायलेंट. फ्यूट. फ्यूट का हिंदी में मीनिंग होता है अदावत, और इसका सिनोनियम होता है स्ट्रिफ या क्वेरल या आर्ग्यू.
फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का हिंदी में मीनिंग होता है क्षण भंगुर, और इसका सिनोनियम होता है ट्रांसिट या टेम्पररी या मोमेंट्री। फ्लिम्सी, फ्लिम्सी का हिंदी में मीनिंग होता है झीना, और इसका सिनोनियम होता है ट्रिफलिंग या ट्रांसपेरेंट या वायर। फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट का हिंदी में मीनिंग होता है उतार चढ़ाव, और इसका सिनोनियम होता है डिफ्लेक्ट या वेव या फ्लटर। फॉरसेक, फॉरसेक का हिंदी में मीनिंग होता है त्यागना, फॉरसेक का सिनोनियम होता है गिव अप या लेट ऑफ या रिजेक्ट। गेट, गेट का हिंदी में मीनिंग होता है प्राप्त करना, गेट का सिनोनियम होता है एक्वायर या ऑब्टेन या सिक्योर। गो, गो का हिंदी में मीनिंग होता है जाओ, और इसका सिनोनियम होता है रिसीट या डिपार्ट या फेड। गुड, गुड का हिंदी में मीनिंग होता है अच्छा, और इसका सिनोनियम होता है एक्सीलेंट या एप्ट या मार्वलस। ग्रेट, ग्रेट का हिंदी में मीनिंग होता है महान, ग्रेट का सिनोनियम होता है नोटवर्थी या वर्थी या डिस्टिंग्विश्ड। ग्रॉस, ग्रॉस का हिंदी में मीनिंग होता है कुल, और इसका सिनोनियम होता है इम्प्रॉपर या रूड या कोर्स। ग्लूम, ग्लूम का हिंदी में मीनिंग होता है उदासी, और इसका सिनोनियम होता है ऑब्स्क्योरिटी या डार्कनेस या सैडनेस। ग्लूट, ग्लूट का हिंदी में मीनिंग होता है भरमार, और इसका सिनोनियम होता है स्टफ या सेटिएट या अबंडेंस। गॉर्जियस, गॉर्जियस का हिंदी में मीनिंग होता है भव्य, गॉर्जियस का सिनोनियम होता है मैग्निफिकेंट या डेजलिंग या एरिस्टोक्रेटिक। ग्रेशियस, ग्रेशियस का हिंदी में मीनिंग होता है विनीत, और इसका सिनोनियम होता है कॉर्टियस या बेनिफिशेंट या इंडल्जेंट। ग्रिसली, ग्रिसली का हिंदी में मीनिंग होता है भयानक, और इसका सिनोनियम होता है डिसगस्टिंग या टेरिबल या ड्रेडफुल। ग्रज, ग्रज का हिंदी में मीनिंग होता है असंतोष, ग्रज का सिनोनियम होता है हेटर्ड या अवर्जन या बी एंग्री।
गुइल, गुइल का हिंदी में मीनिंग होता है छल और इसका सिनोनियम होता है डिसेप्शन या डिसीट या फ्रॉड। हैप्पी, हैप्पी का हिंदी में मीनिंग होता है प्रसन्न या खुश, इसका सिनोनियम होता है प्लीज्ड या कंटेंटेड या सेटिस्फाइड। हेट, हेट का हिंदी में मीनिंग होता है घृणा या नफरत और इसका सिनोनियम होता है डिस्पाइस या लोथ या डिटेस्ट। हैव का हिंदी में मीनिंग होता है या रखना और इसका सिनोनियम होता है एक्वायर या गेन या मेंटेन। हेल्प, हेल्प का हिंदी में मीनिंग होता है मदद, हेल्प का सिनोनियम होता है एड या असिस्ट या सकोर। हाइट, हाइट का हिंदी में मीनिंग होता है छिपाना, हाइट का सिनोनियम होता है कंसील या कॉमोफ्लेट या श्राउड। हरी, हरी का हिंदी में मीनिंग होता है जल्दी, हरी का सिनोनियम होता है हेस्टन या अर्ज या एक्सेलरेट। हर्ट, हर्ट का हिंदी में मीनिंग होता है चोट और इसका सिनोनियम होता है डैमेज या डिस्ट्रेस या अफ्लिक्ट। हैम्पर, हैम्पर का हिंदी में मीनिंग होता है बाधा और इसका सिनोनियम होता है रिटार्ड या प्रिवेंट या हर्डल। हैफजर्ड, हैफजर्ड का हिंदी में मीनिंग होता है बेतरतीब और इसका सिनोनियम होता है रैंडम या अनसॉर्टेड या डिसऑर्गेनाइज्ड। हैपलेस, हैपलेस का हिंदी में मीनिंग होता है अभागी और इसका सिनोनियम होता है अनफॉर्चुनेट या इल-फेटेड या अनलकी। हैरेस, हैरेस का हिंदी में मीनिंग होता है परेशान और हैरेस का सिनोनियम होता है इरिटेट या मोलेस्ट या अनॉय। हाफ्टी, हाफ्टी का हिंदी में मीनिंग होता है अभिमानी और इसका सिनोनियम होता है एरोगेंट या पॉम्पस या स्नूटी। हैजर्ड, हैजर्ड का हिंदी में मीनिंग होता है जोखिम, हैजर्ड का सिनोनियम होता है पेरिल या डेंजर या मिनेस। हेरेटिक, हेरेटिक का हिंदी में मीनिंग होता है विधर्मी और इसका सिनोनियम होता है नॉन कन्फर्मिस्ट या सेकुलरिस्ट या मिसबिलीवर।
हीडियस। हीडियस का हिंदी में मीनिंग होता है भयंकर और इसका सिनोनियम होता है फ्राइटफुल या शॉकिंग या रिपेलेंट। हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का हिंदी में मीनिंग होता है पाखंड और इसका सिनोनियम होता है डिसेप्शन या अफेक्टेशन या इम्पोस्चर। इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का हिंदी में मीनिंग होता है महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट का सिनोनियम होता है नेसेसरी या वाइटल या क्रूशियल। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का हिंदी में मीनिंग होता है दिलचस्प या रोचक और इसका सिनोनियम होता है फैसिनेटिंग या ब्राइट या इंटेलिजेंट। एकामुलेट। एकामुलेट का हिंदी में मीनिंग होता है शुद्ध और इसका सिनोनियम होता है अनस्टेन या स्पॉटलेस या इनकरप्ट। इमेंस। इमेंस का हिंदी में मीनिंग होता है अत्यधिक। इमेंस का सिनोनियम होता है ह्यूज या एनॉर्मस या स्पेशियस। इमर्स। इमर्स का हिंदी में मीनिंग होता है डुबाना। इमर्स का सिनोनियम होता है सबमर्ज या इन्वॉल्व या ड्रेंच। इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का हिंदी में मीनिंग होता है प्रतिरक्षा और इसका सिनोनियम होता है प्रेरोगेटिव या प्रिविलेज या प्रोटेक्शन। जेडेड। जेडेड का हिंदी में मीनिंग होता है क्लांत। जेडेड का सिनोनियम होता है टायर्ड या एग्जॉस्टेड या वेस्टेड। जेजून। जेजून का हिंदी में मीनिंग होता है बेसुध और इसका सिनोनियम होता है डल या बोरिंग या टीडियस। जोवियल। जोवियल का हिंदी में मीनिंग होता है उल्लासपूर्ण। जोवियल का सिनोनियम होता है फ्रॉलिक्सम या चीयरफुल या हैप्पी। जुबिलेंट। जुबिलेंट का हिंदी में मीनिंग होता है उल्लसित और इसका सिनोनियम होता है रिजॉइजिंग या एलेट या हिलेरियस। जुडिशियस। जुडिशियस का हिंदी में मीनिंग होता है उचित और इसका सिनोनियम होता है थॉटफुल या प्रूडेंट या जस्टिफिएबल। जस्ट। जस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है केवल। जस्ट का सिनोनियम होता है ऑनेस्ट या इम्पार्शियल या ओनली। जस्टिफाई। जस्टिफाई का हिंदी में मीनिंग होता है उचित सिद्ध करना। जस्टिफाई का सिनोनियम होता है डिफेंड या एक्सकल्पेट।
या एक्सप्लेन। जुविनाइल, जुविनाइल का हिंदी में मीनिंग होता है किशोर और इसका सिनोनियम होता है यंग या टेंडर या यूथफुल। कीप, कीप का हिंदी में मीनिंग होता है रखना। कीप का सिनोनियम होता है होल्ड या मेंटेन या सस्टेन। किल, किल का हिंदी में मीनिंग होता है मारना। किल का सिनोनियम होता है स्ले या एग्जीक्यूट या असैसिनेट। कीन, कीन का हिंदी में मीनिंग होता है इच्छुक। कीन का सिनोनियम होता है शार्प या पॉइग्नेंट या ईगर। काइंडर्ड, काइंडर्ड का हिंदी में मीनिंग होता है आत्मीय। काइंडर्ड का सिनोनियम होता है रिलेटिव या स्पेशियस या कॉग्निट। नेव, नेव का हिंदी में मीनिंग होता है धूर्त और इसका सिनोनियम होता है लर्चर या स्काउंड्रल या रास्कल। निल, निल का हिंदी में मीनिंग होता है समाधि वाली झंकार और इसका सिनोनियम होता है फीटनेल या लास्ट ब्लो या चाइम। नॉटी, नॉटी का हिंदी में मीनिंग होता है विकट और इसका सिनोनियम होता है कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट या एक्यूट। लेजी, लेजी का हिंदी में मीनिंग होता है आलसी और इसका सिनोनियम होता है इंडोलेंट या स्लॉथफुल या स्लगिश। लिटिल, लिटिल का हिंदी में मीनिंग होता है थोड़ा और इसका सिनोनियम होता है डिंकी या पुनी या डिमिन्यूटिव। लुक, लुक का हिंदी में मीनिंग होता है देखना। लुक का सिनोनियम होता है स्क्रूटनाइज या इंस्पेक्ट या सर्वे। लव, लव का हिंदी में मीनिंग होता है प्रेम। लव का सिनोनियम होता है अफेक्शन या डिवोशन या एस्टीम। लविश, लविश का हिंदी में मीनिंग होता है भव्य। लविश का सिनोनियम होता है अबंडेंट या एक्सेसिव या ग्रेशियस। लैक्स, लैक्स का हिंदी में मीनिंग होता है ढीला। लैक्स का सिनोनियम होता है स्लैक या फ्लेबी या लूज। लीनियंट, लीनियंट का हिंदी में मीनिंग होता है उदार। लीनियंट का सिनोनियम होता है कंपैशनेट या
मर्सीफुल या लिबरल। लायबल, लायबल का हिंदी में मीनिंग होता है उत्तरदायी और इसका सिनोनियम होता है अकाउंटेबल या बाउंड या रिस्पॉन्सिबल। लिबरल, लिबरल का हिंदी में मीनिंग होता है उदार और इसका सिनोनियम होता है मैग्नानिमस या जेनरस या लीनियंट। लिंगर, लिंगर का हिंदी में मीनिंग होता है ठहराना और इसका सिनोनियम होता है लॉयटर या प्रोलोंग या स्टे। लिस्टलेस, लिस्टलेस का हिंदी में मीनिंग होता है उदासीन और इसका सिनोनियम होता है इनडिफरेंट या इनअटेंटिव या फ्रिजिड। मेक, मेक का हिंदी में मीनिंग होता है बनाना और मेक का सिनोनियम होता है डिजाइन या फैब्रिकेट या मैन्युफैक्चर। मार्क, मार्क का हिंदी में मीनिंग होता है निशान और मार्क का सिनोनियम होता है इम्प्रेस या इफेक्ट या ट्रेस। मिस्चीवियस, मिस्चीवियस का हिंदी में मीनिंग होता है दुष्ट और मिस्चीवियस का सिनोनियम होता है प्रैंकिश या वैगिश या इम्पिश। मूव, मूव का हिंदी में मीनिंग होता है चाल और मूव का सिनोनियम होता है प्लोड या गो या क्रीप। मिनट, मिनट का हिंदी में मीनिंग होता है मिनट और मिनट का सिनोनियम होता है मूमेंट या डिमिन्यूटिव या मिनिएचर। मिराकुलस, मिराकुलस का हिंदी में मीनिंग होता है चमत्कार पूर्ण और इसका सिनोनियम होता है मार्वलस या एक्स्ट्राऑर्डिनरी या वंडरफुल। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है मामूली और इसका सिनोनियम होता है हम्बल या कॉटियस या कॉमन। मॉलिस्ट, मॉलिस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है छेड़ना और इसका सिनोनियम होता है हरेस या टीज या एग्रवेट। न्यू, न्यू का हिंदी में मीनिंग होता है नया, न्यू का सिनोनियम होता है नॉवेल या मॉडर्न या करंट। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का हिंदी में मीनिंग होता है लापरवाह और इसका सिनोनियम होता है इनअटेंटिव या केयरलेस या रेकलेस। निगार्डली, निगार्डली का हिंदी में मीनिंग होता है कंजूसी से और इसका सिनोनियम होता है माइजर या
covetous या scantily. Nimble, nimble का हिंदी में मीनिंग होता है तेज और इसका सिनोनियम होता है प्रॉम्प्ट या ब्रिस्क या स्नग. नॉनचैलेंट, नॉनचैलेंट का हिंदी में मीनिंग होता है बेपरवाह और इसका सिनोनियम होता है इंडिफरेंट या नेग्लिजेंट या रिमिस. नीट, नीट का हिंदी में मीनिंग होता है स्वच्छ और नीट का सिनोनियम होता है ट्रिम या डैपर या नेटी. नोवाइस, नोवाइस का हिंदी में मीनिंग होता है नौसिखिए और इसका सिनोनियम होता है टायरो या बिगिनर या फ्रेशर. ओल्ड, ओल्ड का हिंदी में मीनिंग होता है पुराना और ओल्ड का सिनोनियम होता है एजेड या यूज्ड या वॉर्न. ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का हिंदी में मीनिंग होता है रोकना और इसका सिनोनियम होता है इम्पेडी या प्रिवेंट या क्लोग. ऑब्वियस, ऑब्वियस का हिंदी में मीनिंग होता है जाहिर और इसका सिनोनियम होता है एविडेंट या अपारेंट या प्रोफेस्ड. ऑकल्ट, ऑकल्ट का हिंदी में मीनिंग होता है मनोगत और इसका सिनोनियम होता है लेटेंट या एम्बिजियस या अल्टीरियर. ऑडियस, ऑडियस का हिंदी में मीनिंग होता है घिनौना और इसका सिनोनियम होता है मेलवोलेंट या एपनॉक्शियस या स्लिमी. ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का हिंदी में मीनिंग होता है आक्रमण और इसका सिनोनियम होता है एबहोरेंट या एरोगेंट या अटैकर. पार्ट, पार्ट का हिंदी में मीनिंग होता है भाग या अंश और इसका सिनोनियम होता है पोर्शन या सेक्शन या फ्रैक्शन. प्लेस, प्लेस का हिंदी में मीनिंग होता है जगह. प्लेस का सिनोनियम होता है स्पेस या एरिया या स्पॉट. प्लान, प्लान का हिंदी में मीनिंग होता है योजना. प्लान का सिनोनियम होता है रीजन या लोकेशन या सिचुएशन. प्रेडिकमेंट, प्रेडिकमेंट का हिंदी में मीनिंग होता है स्थिति और इसका सिनोनियम होता है क्वांडरी या डिलेमा या प्लाइट. पुट, पुट का हिंदी में मीनिंग होता है डालना या रखना. पुट का सिनोनियम होता है प्लेस.
या असाइन या कीप। पैम्पर, पैम्पर का हिंदी में मीनिंग होता है संतुष्ट करना। पैम्पर का सिनोनियम होता है फ्लैटर या इंडल्ज या मीट। पैरामाउंट, पैरामाउंट का हिंदी में मीनिंग होता है आला दर्जे का और इसका सिनोनियम होता है फॉरमोस्ट या एमिनेंट या हाई प्रायोरिटी। पीरलेस, पीरलेस का हिंदी में मीनिंग होता है अद्वितीय और इसका सिनोनियम होता है मैचलेस या अनराइवल्ड या मास्टरली। पिविश, पिविश का हिंदी में मीनिंग होता है चिड़चिड़ा। पिविश का सिनोनियम होता है परवर्स या सुलेन या इरिटेबल। पर्टनेस, पर्टनेस का हिंदी में मीनिंग होता है गुस्ताखी और इसका सिनोनियम होता है फ्लिपेंसी या इम्प्यूडेंस या फॉरवर्डनेस। क्वाइट, क्वाइट का हिंदी में मीनिंग होता है चुप। क्वाइट का सिनोनियम होता है ट्रैंक्विल या पीसफुल या काम। क्वैक, क्वैक का हिंदी में मीनिंग होता है नीम हकीम और क्वैक का सिनोनियम होता है इम्पोस्टर या डिसीवर या एम्पिरिक। क्वेंट, क्वेंट का हिंदी में मीनिंग होता है विचित्र और क्वेंट का सिनोनियम होता है क्वीर या स्ट्रेंज या पाइड। क्वारंटाइन, क्वारंटाइन का हिंदी में मीनिंग होता है सिक्लूड या स्क्रीन या आइसोलेशन। क्वेल, क्वेल का हिंदी में मीनिंग होता है वश में करना और इसका सिनोनियम होता है सबड्यू या रिड्यूस या मॉडिफाई। क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल का हिंदी में मीनिंग होता है संदिग्ध। क्वेश्चनेबल का सिनोनियम होता है ड्यूबियस या डिस्प्यूटेबल या डाउटफुल। राइट, राइट का हिंदी में मीनिंग होता है सही। राइट का सिनोनियम होता है करेक्ट या एक्यूरेट या फैक्चुअल। रन, रन का हिंदी में मीनिंग होता है दौड़ना। रन का सिनोनियम होता है रेस या स्प्रिंट या डैश। रेटिफाई, रेटिफाई का हिंदी में मीनिंग होता है पुष्टि करना। रेटिफाई का सिनोनियम होता है कंसेंट या अप्रूव या कंफर्म। रिवेज, रिवेज का हिंदी में मीनिंग होता है नाश। रिवेज का सिनोनियम होता है
destroy या ruin या waste, redeem, redeem का हिंदी में मीनिंग होता है एवज, redeem का सिनोनियम होता है recover या liberate या redemption, remnant, remnant का हिंदी में मीनिंग होता है अवशेष, remnant का सिनोनियम होता है residue या piece या tailings, remonstrate, remonstrate का हिंदी में मीनिंग होता है प्रतिवाद करना और इसका सिनोनियम होता है सेंसर या प्रोटेस्ट या ऑप्टेस्ट, से और टेल इसका हिंदी में मीनिंग होता है बताएं या कहें, इसका सिनोनियम होता है रिकाउंट या नरेट या एक्सप्लेन, स्केयर्ड, स्केयर्ड का हिंदी में मीनिंग होता है डरा हुआ, स्केयर्ड का सिनोनियम होता है पैनिक्ड या फेयरफुल या अनर्ड, शो, शो का हिंदी में मीनिंग होता है प्रदर्शन, शो का सिनोनियम होता है डिस्प्ले या एग्जिबिट या प्रेजेंट, स्लो, स्लो का हिंदी में मीनिंग होता है धीरे और स्लो का सिनोनियम होता है अनहरिड या बिहाइंड या टीडियस, स्टॉप, स्टॉप का हिंदी में मीनिंग होता है रुकें या रुकना और स्टॉप का सिनोनियम क्या होता है, स्टॉप का सिनोनियम होता है सीज या हाल्ट या स्टे, स्टोरी, स्टोरी का हिंदी में मीनिंग होता है कहानी और स्टोरी का सिनोनियम होता है टेल या यान या अकाउंट, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का हिंदी में मीनिंग होता है अजीब और स्ट्रेंज का सिनोनियम होता है ऑड या पेकुलियर या अनयूजुअल, सार्केस्टिक, सार्केस्टिक का हिंदी में मीनिंग होता है कटु और सार्केस्टिक का सिनोनियम होता है आयरोनिकल या डेरिजिव या सोर, सॉसी, सॉसी का हिंदी में मीनिंग होता है सजीव और सॉसी का सिनोनियम होता है इम्प्यूडेंट या इंसोलेंट या एनिमेटेड, स्केंटी, स्केंटी का हिंदी में मीनिंग होता है अल्प और स्केंटी का सिनोनियम होता है स्कार्स या इनसफिशिएंट या स्पेरिंग, शैबी, शैबी का हिंदी में मीनिंग होता है जर्जर और शैबी का सिनोनियम होता है मिजरेबल या इम्पॉवरिश्ड या कास्ट ऑफ, श्रूड, श्रूड का हिंदी में मीनिंग होता है चालाक
और इसका सिनोनियम होता है कनिंग या क्राफ्टी या स्लिक। टेक, टेक का हिंदी में मीनिंग होता है लेना और टेक का सिनोनियम होता है होल्ड या कैच या सीज। टेल, टेल का हिंदी में मीनिंग होता है कहना और इसका सिनोनियम होता है डिस्क्लोज या रिवील या शो। थिंक, थिंक का हिंदी में मीनिंग होता है सोच या सोचना और इसका सिनोनियम होता है कंसीडर या कंटेम्पलेट या रिफ्लेक्ट। ट्रबल, ट्रबल का हिंदी में मीनिंग होता है मुसीबत और ट्रबल का सिनोनियम होता है डिस्ट्रेस या एंग्विश या एग्जाइटी। ट्रू, ट्रू का हिंदी में मीनिंग होता है सच और इसका सिनोनियम होता है एक्यूरेट या राइट या प्रॉपर। टैबू, टैबू का हिंदी में मीनिंग होता है निषेध और इसका सिनोनियम होता है प्रोहिबिट या बैन या इनहिबिशन। टैसिटर्न, टैसिटर्न का हिंदी में मीनिंग होता है अल्पभाषी और इसका सिनोनियम होता है रिजर्व्ड या साइलेंट या रेटिसेंट। टीडियस, टीडियस का हिंदी में मीनिंग होता है गैर दिलचस्प और इसका सिनोनियम होता है वेरियसम या इर्कसम या ऑर्डील। टेम्परेट, टेम्परेट का हिंदी में मीनिंग होता है शीतोष्ण और इसका सिनोनियम होता है कूल या मॉडरेट या एब्स्टिनेंट। थ्रोंग, थ्रोंग का हिंदी में मीनिंग होता है भीड़ और इसका सिनोनियम होता है असेंबली या क्राउड या मल्टीट्यूड। अगली, अगली का हिंदी में मीनिंग होता है क्रूर, अगली का सिनोनियम होता है हॉरिबल या अनप्लेजेंट या मॉन्स्ट्रस। अम्ब्रेज, अम्ब्रेज का हिंदी में मीनिंग होता है साया और इसका सिनोनियम होता है रिसेंटमेंट या बिटरनेस या अनकाउथ। अनकाउथ का हिंदी में मीनिंग होता है गवार और इसका सिनोनियम होता है ऑकवर्ड या अनग्रेसफुल या स्ट्रेंज। यूसर्प, यूसर्प का हिंदी में मीनिंग होता है हड़पना और इसका सिनोनियम होता है सीज या रेस्ट या एप्रोप्रिएट। अटरली, अटरली का हिंदी में मीनिंग होता है
बिल्कुल, और इसका सिनोनियम होता है कंप्लीटली या एंटायरली या थॉरली। वेग्रेंट, वेग्रेंट का हिंदी में मीनिंग होता है आवारा, और इसका सिनोनियम होता है वॉन्डरर या रोमिंग या स्ट्रोलिंग। वैलिड, वैलिड का हिंदी में मीनिंग होता है मान्य, और वैलिड का सिनोनियम होता है जेन्युइन या ऑथेंटिक या एक्सेप्टेड। वैलर, वैलर का हिंदी में मीनिंग होता है वीरता, और इसका सिनोनियम होता है ब्रेवरी या स्टाउटनेस या गैलेंट्री। वैनिटी, वैनिटी का हिंदी में मीनिंग होता है घमंड, वैनिटी का सिनोनियम होता है कंसाइट या प्रिटेंशन या हप्रिस। वेनरेबल, वेनरेबल का हिंदी में मीनिंग होता है आदरणीय, और इसका सिनोनियम होता है एस्टीम्ड या ऑनर्ड या रिस्पेक्टेबल। वेनरेबल, वेनरेबल का हिंदी में आदरणीय, और इसका सिनोनियम होता है एस्टीम्ड या ऑनर्ड या रिप्यूटेबल। वेव, वेव का हिंदी में मीनिंग होता है माफ करें, और इसका सिनोनियम होता है रिलिंक्विश या रिमूव या अबंडन। वान, वान का हिंदी में मीनिंग होता है जर्द, और इसका सिनोनियम होता है पेल या फेडेड या येलो। वेन, वेन का हिंदी में मीनिंग होता है पतन, और इसका सिनोनियम होता है डेक्लाइन या ड्विंडल या डाउनफॉल। वेरी, वेरी का हिंदी में मीनिंग होता है सावधान, और इसका सिनोनियम होता है कॉशियस या सिरोंस्पेक्ट या अवेयर। वेट, वेट का हिंदी में मीनिंग होता है विवाह करना, और इसका सिनोनियम होता है मैरी या कंबाइन या मेट। यर्न, यर्न का हिंदी में मीनिंग होता है हुड़कना, और इसका सिनोनियम होता है लैंग्विश या क्रेव या सैडन। येल, येल का हिंदी में मीनिंग होता है चिल्लाना, येल का सिनोनियम होता है शाउट या श्रीक या जेंगल। यील्ड, यील्ड का हिंदी में मीनिंग होता है प्राप्ति, और यील्ड का सिनोनियम होता है सरेंडर या एडिकेट या इंक्रीज। योक,
योग का हिंदी में मीनिंग होता है दासत्व का चिन्ह, और इसका सिनोनियम होता है कनेक्ट या हार्नेस या सर्फडम। जील, जील का हिंदी में मीनिंग होता है उत्साह, और जील का सिनोनियम होता है ईगरनेस या फर्वर या प्रॉम्प्टिंग। जिनीत, जिनीत का हिंदी में मीनिंग होता है शीर्ष बिंदु, और इसका सिनोनियम होता है समिट या एपेक्स या एक्सट्रीम। जीस्ट, जीस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है दिलचस्पी, और इसका सिनोनियम होता है डिलाइट या एंथ्यूसियाज्म या इंटरेस्ट। अम्ब्रेज, अम्ब्रेज का हिंदी में मीनिंग होता है साया, और इसका सिनोनियम होता है चैग्रिन या ऑफेंस या रिसेंटमेंट। अर्चिन, अर्चिन का हिंदी में मीनिंग होता है नटकट, और इसका सिनोनियम होता है फाउंडलिंग या ऑर्फन या विक्ट। इमोरल, इमोरल का हिंदी में मीनिंग होता है अनैतिक, और इसका सिनोनियम होता है अनप्रिंसिपल्ड या फ्रेल या बैड। तो आज आपने सीखा सिनोनियम, वर्ड्स, उनके मीनिंग और साथ में उनके सिनोनियम। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ।